नमस्कार सर, जन सरोकार मंच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे और आपके जीवन का कुछ अनुभव जानेंगे, जिससे हमारे बहुत सारे साथियों को कुछ सीखने का एक अवसर मिलेगा सर। और तो जैसे सभी जानते हैं, शुरुआत थोड़ी परिचय से करते हैं सर। 30 मार्च 1960 का आपका जन्म हुआ और दूसरा बड़ा है कि बलरामपुर में रहते हुए आपने अध्यापन से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। बहुत सारी भारत की क्षेत्रीय पत्रिकाएं, प्रमुख राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आप हमेशा छपते रहे। बहुत सारी किताबें आप तक आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें अब भी 2010 में कविता संग्रह सामने, मेरे 2017 में डूमरा गांव नजर आएगा, 2021 में भारत में जननाट्य आंदोलन पर शोध पुस्तक, साक्षरता एक पुस्तिका इप्टा आंदोलन कुछ साक्षात्कार 98 में प्रकाशन हुआ। और जो आपकी पुस्तकें है ना प्रकाशित होने वाली हैं, अपना आरा, भोजपुरी संस्करण, हिंदी कविता की परंपरा और समकालीनता, हिंदी और भोजपुरी में प्रकाशित होने वाली है। तो ये बड़ा वो है कि हिंदी भोजपुरी दोनों का बहुत अच्छा समन्वय है सर। तो कुछ आपसे शुरुआत करते हैं कि सर इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ आपका? साहित्य के क्षेत्र में अध्यापन का क्षेत्र तो ही था, लेकिन इस तरह का एक इस क्षेत्र में किस तरीके से कुछ पुराने कुछ अनुभव, पुरानी कुछ स्मृतियां सर आपके सुनना चाहते हैं। मेरा जो गृह जनपद है वह बिहार का बक्सर है। यह पहले शाहाबाद में था, बाद में भोजपुर बना और 1991-92 में ये नया जिला बना बक्सर। तो मेरा गांव बक्सर में है, सिमरी ब्लॉक में, आशा पणरी। और हम लोग हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव में रह के किए और फिर चले गए आरा पढ़ने के लिए। तो आरा बहुत ही छोटा शहर है, लेकिन बहुत ही सांस्कृतिक साहित्यिक शहर है। और उसके बारे में मैं आपसे बताऊं कि वो दो शहरों के बीच में है, दो बड़े शहरों के बीच में है, पटना और वाराणसी। पटना बिहार की राजधानी है और बनारस पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर भारत का, या कह लीजिए पूरे भारत का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है और साहित्यिक भी। तो इन दोनों बड़े शहरों से आरा प्रभावित रहा है। आरा के साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल के निर्माण में इन दोनों बड़े शहरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोगों ने वहीं से रह के जैन कॉलेज आरा से इंटर, बीए, हिंदी ऑनर्स और एमए किया। और हम लोगों को आरा में कुछ ऐसे पढ़ाने वाले गुरु मिले जिन्होंने हम लोगों को साहित्य की चेतना प्रदान की। ऐसे ही गुरुओं में एक नाम मैं ले रहा हूं, चंद्रभूषण तिवारी का। आरा आधुनिक काल में
हिंदी साहित्य में, भोजपुरी साहित्य में अगर एक विशिष्ट केंद्र बना तो इसके पीछे चंद्रभूषण तिवारी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने नई पीढ़ी का निर्माण किया। 1970 से लेकर के 1991-92 तक के बीच शायद ही कोई हिंदी का कवि ऐसा हो जो उनके संपर्क में ना रहा हो, चाहे वो पटना के आलोक धनवा हो, अरुण कमल हो, या तमाम और नए कवि। आज इस वर्ष का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बद्री नारायण को। बद्री नारायण भी आरा के ही थे और चंद्रभूषण तिवारी के निर्देशन में ही उन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था। जब हम लोगों ने आरा में रह कर कविता लिखना शुरू किया 1979-80 के दौरान, तो उन दिनों आरा कहानी के लिए जाना जाता था। कहानी में, हिंदी कहानी में बड़े बड़े नाम थे जो पूरे देश में बड़ी स्तर बड़े व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं में छप रहे थे। उन दिनों धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, सारिका में, तो उनमें मधुकर सिंह का नाम आता है। फिर आगे चल करके मिथिलेश्वर, रामेश्वर उपाध्याय, नीरज सिंह और भी बहुत सारे बाद में कहानीकार आते हैं। सिरिल मैथ्यू, नवेंदु, श्रीकांत, जिन लोगों ने बाद में कहानियां लिखना बंद कर दिया और पत्रकार बने, श्रीकांत वगैरह। तो उस दौर में 1980 के आसपास हम लोग आरा में थे और वहीं से हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बना था उस दौर में कि उससे जुड़ करके हम लोग कविताएं लिखने लगे। और हमारी पीढ़ी में तीन लोग थे जिन्होंने एक साथ कविता लिखना आरंभ किया था, जिसमें मैंने, नीले उपाध्याय ने, बद्री नारायण ने। हम लोग उन दिनों जनवादी लेखक संघ से भी जुड़े हुए थे। बाद में नीले उपाध्याय की दिशा बदल गई, बद्री नारायण की भी दिशा बदल गई, लेकिन अब भी अपने स्तर से, अपनी जगहों पर सब लोग लिख पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग का आरंभिक दौर था 1979-80 का। और आगे चल करके मेरी पहली कविता छपी अक्टूबर 1983 में कथन में। कथन दिल्ली से निकलती थी और उसके संपादक थे रमेश उपाध्याय। तो 1983 से हमने हिंदी पत्रिकाओं में छपना शुरू किया और आरा में चंद्रभूषण तिवारी थे, हम लोगों के गुरु थे। बाद में एमए करने के बाद गुजरात चला गया आनंद में, सरदार पटेल विश्वविद्यालय में, जहां हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान और आलोचक प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र थे। तो उनके निर्देशन में मैंने यूजीसी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत इंडियन पीपुल्स थिएटर मूवमेंट पर रिसर्च किया, भारत में जन नाट्य आंदोलन। वह पुस्तक हमारी 1994 में छपी परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से और पूरे देश में वो पहली ऐसी हिंदी में किताब थी जो जन नाट्य आंदोलन पर थी। तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने उसे पढ़ा। अब भी वो किताब ढूंढ ढूंढ करके लोग पढ़ते हैं और मैं कोशिश में हूँ कि उसका नया एडिशन भी आ जाए। कविता की मेरी पहली किताब कुछ देर से आई, 2010 में। 2011 में उसका लखनऊ में लोकार्पण हुआ, जिसमें मैनेजर पांडे आए थे दिल्ली से, जेएनयू के प्रोफेसर और हेड, और हिंदी के बड़े आलोचक मैनेजर पांडे। तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया था और
जन संस्कृति मंच लखनऊ में 2011 में नागार्जुन, शमशेर और केदार की जन्मशती मना रहा था, तो उसी अवसर पर मेरी पुस्तक भी लोकार्पित हुई थी और उद्भावना प्रकाशन ने उसे छापा था, जिसका दूसरा एडिशन 2019 में आया रश्मि प्रकाशन लखनऊ से। और सामने से मेरे मेरा दूसरा कविताओं का संग्रह है हिंदी का, जो 2017 में आया रश्मि प्रकाशन से। 2021 में डुमराव नजर आएगा मेरा तीसरा कविता संग्रह छपा, और एक मेरी भोजपुरी की किताब आई है स्मृति आख्यान हमार गांव, जिसको भोजपुरी में बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, पाठकों ने भी। इधर एक पुस्तक मेरी बलरामपुर पर भी आई है, मेरा बलरामपुर, उसको भी पाठकों का प्यार मिला है, स्मृति आख्यान है। और इधर दो पुस्तकें मेरी आने वाली हैं, तो एक पुस्तक हिंदी में है, हिंदी आलोचना और समकालीनता की परंपरा, और दूसरी पुस्तक मेरी भोजपुरी में है आरा पर, अभी उसका नाम हमने तय नहीं किया है, याद में आ रहा, मतलब स्मृतियों में आ रहा, यानी आरा में रहते हुए जो लोग मिले, साहित्य के, जो हिंदी के शिक्षक मिले, उन सब लोगों को केंद्र में रख करके हमने एक पुस्तक भोजपुरी में लिखी है। तो ये मेरे प्रकाशन का सिलसिला है, और बाकी हिंदी की तमाम पत्र पत्रिकाओं में कथन है, शुक्रवार है, वागर्थ है, और बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, एकाध पत्रिकाओं को छोड़ करके बाकी सब में कविताएं छपी, लेख छपे, छपते रहते हैं, दैनिक अखबारों में भी, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, नवभारत टाइम्स में, नवभारत में, और कई स्थानीय अखबारों में। एक दौर में हम लोगों ने पत्रकारिता भी की थी आरा में रह के 1995-96 में, और एक पाक्षिक अखबार हम लोग निकालते थे, हम और नीलय उपाध्याय, भोजपत्र के नाम से, जिसका मैं फीचर संपादक हुआ करता था, और उस अखबार में हर 15 दिन पर एक मैं कॉलम लिखा करता था, शब्द की सत्ता। उसी के बाद 96 में मेरी नौकरी लग गई, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन से मेरा सिलेक्शन हुआ, और 96 में मैं बलरामपुर में आ गया। फिर 30 जून 2022 को प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद से, हिंदी विभाग से, मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और लखनऊ में रह करके इन दिनों साहित्य पढ़ना और लिखना ये मेरा काम है परिवार में रहते हुए। और जब जन सरोकार मंच के कई वीडियोज हमने देखे, तो मुझे बहुत पसंद आया, जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर डाला है, जिस तरह से आपने लेखकों, कवियों से प्रश्न पूछे हैं और उनसे बात की है, उनकी कविताओं का पाठ कराया है, तो यह सब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समकालीन लेखन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी आप लोगों की भूमिका है। जन सरोकार मंच से जब मुझे प्रस्ताव मिला देवेंद्र जी की ओर से, तुमने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और मैंने देखा कि हमारे कई मित्र उस पर आ चुके हैं, उनका लाइव हो चुका है, लगभग सब जाने पहचाने लोग हैं अब तक जिसका आपने वीडियो बनाया है, उन सब से मैं परिचित हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अपने बारे में, अपने से मैं ज़्यादा न बता करके, मैं चाहूँगा कि अपनी कुछ चुनी हुई कविताओं का पाठ कर दूँ। कविताएं तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, है ना। तो भारत में जो जननाट्य आंदोलन की वर्तमान में जो स्थिति है ना, तो इस बारे में भी सर, क्योंकि आपका बड़ा एक लंबा अनुभव रहा है इसको लेके, तो वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ी बातचीत आप कर रहे हैं ना। हमने आलेख लिखा
इप्टा आंदोलन पर जो प्रकाशित हुआ है, सुल्तानपुर से निकलने वाली एक साहित्यिक पत्रिका युग तेवर में, जिसके संपादक हैं कमल नयन पांडे और बहुत अच्छी पत्रिका निकालते हैं। तो देखिए, जो 1941-42 में बंगाल में अकाल पड़ा आजादी के पहले, तो उसमें लोगों ने कहा कि ये प्राकृतिक अकाल नहीं है, कृत्रिम अकाल है, क्योंकि सरकारी गोदामों में ब्रिटिश राज में अनाज रखे हुए थे, लेकिन तब भी लोग सड़कों पर मर रहे थे भूख से, और बहुत बड़ी त्रासदी घटित हो रही थी। तो बंगाल के जो कुछ लेखक, पत्रकार, गीतकार, कवि थे, उन लोगों ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अभियान चलाया। उसी में विनय राय वगैरह का नाम आता है। तो उन लोगों ने कैंपेन किया और बंगाल से निकल करके उन लोगों ने पूरे देश की यात्रा की, और उन लोगों ने काफी अकाल पीड़ितों के लिए धन संग्रह किया, धन एकत्र किया। और मई 1943 में बकायदा इप्टा एक संगठन के तौर पर भी सामने आ गया, इंडियन पीपुल्स थिएटर मूवमेंट, भारतीय जन नाट्य आंदोलन। इप्टा का पूरा नाम है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। जब मैं इंटरव्यू दे रहा था लेक्चरशिप के लिए डिग्री कॉलेज में, तो मेरा बिहार में भी सिलेक्शन हो गया था। उसमें नामवर सिंह आए थे एक्सपर्ट बनकर, तो उन्होंने कहा कि तुम खाली इतने बता दो कि इंडियन पीपुल्स थिएटर मूवमेंट की हिंदी क्या होगी। तो हमने कहा भारतीय जन नाट्य आंदोलन, तो कहा कि जन नाट्य और लोक नाट्य में क्या फर्क है, लोक नाट्य को अंग्रेजी में क्या कहोगे। हमने कहा फोक थिएटर। तो कहे दोनों में अंतर क्या है, जन नाट्य और लोक नाट्य दोनों एक नहीं है, एक लोक नाट्य है जो लोक में पैदा हुआ है, कई लोक नाट्य शैलियां जैसे यूपी में नौटंकी है, जैसे बिहार में विदेशिया है, नाच शैली है, जैसे गुजरात में भवाई है, जैसे राजस्थान में ख्याल है, मध्य प्रदेश में माचा है, कथकली है केरल में, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में। तो लोक में लोक नाट्य शैलियां बनती रही हैं, और लोक अपनी तरह से रंग कर्म को आगे बढ़ाता रहा है। लेकिन जब थिएटर का इस्तेमाल एक खास विचारधारा से जुड़ करके लोगों में जन चेतना पैदा करने के लिए संगठित तौर पर प्रयास किया गया, तो उसको हम जन नाट्य कहते हैं, पीपुल्स थिएटर मूवमेंट। यानी कि लोक नाट्य के पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन जब आप कहेंगे जन नाट्य आंदोलन, तो जन नाट्य के पीछे एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, और बेशक वह विचारधारा जो है वो मार्क्स की विचारधारा है, कार्ल मार्क्स की, मार्क्सवादी विचारधारा। तो उससे प्रेरित होकर के, जुड़ करके, जनता को एजुकेट करने के लिए, जनता को प्रशिक्षित करने के लिए, देश में परिवर्तन के लिए एक माहौल बनाने के क्रम में जन नाट्य आंदोलन का गठन हुआ, और 1950-53 तक ये आंदोलन बहुत अच्छा चला। धीरे धीरे कई तरह की संकीर्णताओं और कई तरह की राजनीति में वाम आंदोलन उलझ के रह गया, जिस तरह से उसी तरह से इप्टा आंदोलन भी। तो इप्टा आंदोलन किसी न किसी रूप में अब भी अस्तित्व में है, अब भी सरवाइव कर रहा है,
अभी पूरे इप्टा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो हमारे लखनऊ के ही हैं, राकेश जी। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 1989-90 में हमने इन लोगों का इंटरव्यू लिया था, मुद्रा राक्षस का, बीरेन जादव का, राकेश का, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ का, सिद्धेश्वर अवस्थी का। तो उनमें से अब भी राकेश जी हैं, बीरेन जादव हैं, मुद्रा राक्षस तो नहीं रहे। अब भी इप्टा की कई इकाइयाँ नाटकों का मंचन करती हैं, और अभी उत्तर प्रदेश इप्टा ने, पूरे देश स्तर पर इप्टा ने एक कैंपेन किया, एक यात्रा निकाली थी अभी, और कई आज के वर्तमान जो मुद्दे हैं उसको उस पर फोकस किया लोगों ने। जिस तरह से हमारे समाज में दिन ब दिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को माना जा रहा है कि वो खतरे में है, पहले का माहौल अब नहीं रह गया है, लेखक लिखने पढ़ने से डरने लगे हैं, तो एक डर का माहौल है, एक भय का वातावरण है। तो उसमें इप्टा के लोग अभी भी अपनी इकाइयों के माध्यम से सक्रिय हैं, वाम लेखक संगठन भी अपने अपने स्तर से सक्रिय हैं। लेकिन बहुत ईमानदारी की बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि आंदोलन की वह गति, वह त्वरा जो आज़ादी के पहले थी और आज़ादी के बाद के दशकों में भी थी, वो धीरे धीरे मंद पड़ गई है। अब वो बात नहीं है, उस तरह का आंदोलन नहीं है। अब जैसे एक ऐसी संस्कृति है हमारे समाज में विकसित हो रही है, लेखकों के बीच, संस्कृत कर्मियों के बीच, जिसको आप दलाल संस्कृति कह सकते हैं। मतलब वाम लेखक संगठनों में रहते हुए भी, प्रगतिशील लेखक संगठनों में रहते हुए भी, इस तरह के सरोकार से जुड़कर भी लोग सत्ता तक पहुंच बनाने में लगे हुए हैं, जोड़ तोड़ करने में, लोग पद और पुरस्कार के पीछे भाग रहे हैं। तो ये ट्रेजेडी है। चाहे वो प्रलेस हो, जलेस हो, जसम हो, या इप्टा हो, या इस तरह की के संगठन हो, जो शुरुआती दौर में इनकी सक्रियता थी वो अब नहीं है, उसमें गिरावट आई है। और बहुत सारे वाम चेतना से जुड़े हुए लेखक भी आजकल सत्ता से साठगांठ बनाने में लगे हुए हैं, पद पुरस्कार पाने में लगे हुए हैं। तो आजकल लेखन में और संस्कृति में भी जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए पद मायने रखता है, पुरस्कार मायने रखता है, कि हमको पद मिल गया, हमको पुरस्कार मिल गया। तो जैसे एक दौर था आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के दशकों में भी, कि जहाँ बहुत ही सच्चे मन से लोग कविता और कहानी लिखते थे या नाट्य क्रम से जुड़े हुए थे, मैं नागार्जुन का ही नाम लूँ, केदारनाथ अग्रवाल का, शमशेर बहादुर सिंह का, त्रिलोचन का, तो इन लोगों का फकीरी ठाट था और लेखन इनके लिए सर्वोपरि था। लेखन की कीमत पर इन लोगों ने कहीं किसी से समझौता नहीं किया, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन लेखन के नाम पर, कला और संस्कृति के नाम पर समर्पित कर दिया। तो आज की तरह नहीं था कि कुछ इधर भी कुछ उधर भी, कुछ वाम भी कुछ दक्षिण भी। तो ये आज के दौर में लेखकों के बीच, संस्कृत कर्मियों के बीच एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जा रहा है, कि जिस तरह से लोग कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए पद पुरस्कार उस तरह से मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका असर कविता पर भी है, कहानी पर भी है। अब हमारे यहाँ उस तरह से फटकार करके कोई सच नहीं बोलना चाहता है। कबीर ने कहा है ना कि हमारे
समाज में सच लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सच कहने पर दुनिया के लोग मारने दौड़ते हैं। उनका है ना कि साच कहत जग मारन धावे, झूठे जग पतियाना। झूठ बोलिए लोग यकीन करेंगे, सच बोलिए लोग मारने दौड़ेंगे। तो हमारे गुरु आलोचक मैनेजर पांडे भी कहा करते थे कि हमारे भारतीय समाज में सच कहने की परंपरा कम है, सच बहुत कम कहा जाता है। और वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा सच सुनने की परंपरा कम है। यानी सच कभी कभी तो लोग कह भी देते हैं लेकिन सच कोई सुनना नहीं चाहता है। तो एक ऐसा माहौल बना है इधर कि भाई हम क्यों सच बोलने जाएं, क्यों हम खतरा मोल लेने जाएं, क्यों हम अपने को जोखिम में डालें। तो जैसी हवा बह रही है उसका स्वागत करिए। तो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत गिरावट आई है आज़ादी के 75 सालों में बहुत। और आजकल तो सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। अब बताइए, आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है जिसमें उन्होंने टॉप 10 उपन्यासों की चर्चा की है। अब उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा, कह रहे कई विशिष्ट, कई महत्वपूर्ण उपन्यासकारों के उपन्यासों को छोड़ दिया गया है। तो ये बाजार की संस्कृति है और कॉरपोरेट कल्चर है कि भाई दस ही क्यों, आप 10 ही क्यों चुन रहे हैं। हो सकता है कि आज़ादी के बाद 75 सालों में 20 अच्छे उपन्यास लिखे गए हों, 25 लिखे गए हों। तो जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो एक ग्लोबल कल्चर की बात की जा रही है, उसमें साहित्य और संस्कृति का बहुत नुकसान हुआ है। जो उपभोक्तावाद आया, जो बाजारवाद आया, तो उसने, जो वैश्वीकरण आया, उसने बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया। और दूसरी बात कि इतना तेजी से देखते देखते वक्त हम लोगों के सामने से गुजर गया कि जब 1980-81 में मैं आरा शहर में BA Part 1 का स्टूडेंट हुआ करता था तो स्टॉल पर पत्रिकाएं भरी रहती थी, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बिनी और बहुत सारी पत्रिकाएं, कमर्शियल भी, लघु पत्रिकाएं भी, दुनिया में तमाम, उत्तरार्ध, उत्तरगाथा, कथन, कथा, क्यों, समारंभ, और बहुत ही ललक के साथ लोग पत्रिकाएं ढूंढ ढूंढ करके पढ़ते थे और उनमें एक एक कहानी पर बहस होती थी। मैं तो आरा शहर से निकला हूँ जहाँ कहानी पाठ हुआ करते थे, कहानियों पर बहस हुआ करती थी, कविता पाठ होता था, कविताओं पर बहस होती थी। अब तो कविता और कहानी पर बात होती है तो कोई कहानीकार, कोई कवि अपनी कहानी या कविताओं की आलोचना नहीं सुनना चाहता है। तो ये ऐसा दौर आ गया और पत्रिकाएं लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। अच्छे अच्छे लेखकों को मैं देख रहा हूँ इसी लखनऊ में कि जिनका पूरा वक्त गुजर जाता है फेसबुक देखने में। अभी एक हमारे मित्र ने कहा कि पिछले 10 साल में उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उन्होंने 4-5 उपन्यास लिखे होते। तो कवियों के लिए तो ठीक है कि कविताएं कम शब्दों में लिखी जाती हैं, छोटे आकार में लिखी जाती हैं, फेसबुक पर अपने डाल दिया। लेकिन जो लोग गद्यकार हैं, जो कहानियां और उपन्यास से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चिंता का सबब है ये जो सोशल मीडिया है। और दूसरी बात कि सोशल मीडिया से बदलाव लाने का भ्रम नहीं पाला जा सकता है। सोशल मीडिया किसके हाथ में है भाई? जुकरबर्ग के हाथ में है। जुकरबर्ग किसका आदमी है? कॉरपोरेट का आदमी है। एक ऐसी व्यवस्था का, एक ऐसे देश का आदमी है जिसको पूंजी नियंत्रित करती है, तो कभी भी आपको, आपकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है। तो सोशल मीडिया के भंवर जाल से भी मुक्त होने की जरूरत है।
और मैंने देखा कि जब हम लोग इंटर बीए कर रहे थे 80-81 में, तो आरा शहर में स्टेशन पर सुबह सुबह अखबार पढ़ने वालों की भीड़ लगी रहती थी। अभी पिछले दिनों में दिसंबर में आरा गया हुआ था, तो देखा कि जिस रेलवे स्टेशन पर पत्रिकाएं और अखबार बिकते थे, सुबह सुबह हमने देखा कि वहाँ एकाध लोग खड़े थे। अखबार हमारे घर में आता है, अकेला मैं ही हूँ अखबार पढ़ता हूँ। दैनिक अखबार मैं दो मंगाता हूँ, दोनों मैं ही पढ़ता हूँ। हमारे घर में और कोई अखबार नहीं पढ़ता है। मैं कहता हूँ, फिर तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते हो, तो हम लोग देख लेते हैं, न्यूज़ पता चल जाता है। तो एक बहुत बड़ी संक्रांति का एक तेज गति से बदलते समय का दौर है, कि जहाँ चीजें बन और बिगड़ रही हैं, और किताबों का क्या है, इतने सारे प्रकाशक पैदा हो गए हैं कि जिनके बारे में न पूछिए, कौन ऐसा रचनाकार है जिसकी किताब आज नहीं छप रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रकाशक हिंदी में आया है जिसने ढूंढ ढूंढ करके सबको छाप दिया। मतलब उसको कवियों की पांडुलिपियां नहीं मिल पा रही हैं, उसको पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं, मैनुस्क्रिप्ट वो छापे कोई बचा ही नहीं, सबको छाप रहा है। अच्छा, उसकी कोई जानकारी लोगों को नहीं है कि कितनी छापता है, कितनी बेचता है, क्या करता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, बस किताब आपकी छप गई। तो सुनने में भी आ रहा है कि इसके पीछे ब्लैक मनी भी है। आपकी 100 प्रतियां छाप दिया और कह दिया कि आपका 1,000 छापा हूँ। आपने देखा है जा करके कि 1,000 छपा है, तो और उसकी कोई बिक्री भी नहीं हो रही है। कह रहा है कि चलिए आपको मैं रॉयल्टी दूंगा, अभी तक तो किसी को नहीं मिली है। तो कुकुरमुत्ते की तरह प्रकाशक उभर आए हैं, और ऐसे ऐसे प्रकाशक आए हैं जिनको हिंदी और उसकी लिपि की जानकारी नहीं है, उनका प्रूफ कायदे से नहीं देखा जाता है, किताबें छप रही हैं धड़ल्ले से, उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं है। जैसे कभी नामवर सिंह ने कहा कि भाई, आलोचकों की, ईमानदार आलोचकों की जरूरत क्यों पड़ती है, वो इसीलिए पड़ती है ना कि वो बता सके कि इस साल जो 200 कहानियां छपी, उनमें ये 4 कहानियां अच्छी हैं, ये 5 कविताएं अच्छी हैं, और ये क्यों अच्छी हैं, इसके पीछे ये तर्क हैं, ये वजह हैं कि ये अच्छी हैं, एक आलोचक की कसौटी पर। तो आज हिंदी में मैं बहुत जोर दे के कहना चाहूँगा कि हिंदी में आलोचना के नाम पर, रचना की आलोचना के नाम पर, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, शून्य पसरा हुआ है, कोई ईमानदार आलोचक नहीं है, खेमे बचे हुए हैं, खेमेबाजियाँ हो रही हैं, पूरा हिंदी संसार गिरोहों में, खेमों में बटा हुआ है। एक गिरोह भोपाल का है, एक गिरोह कलकत्ता का है, तो एक गिरोह कहीं और का है, और एक एक कवि सरदार की तरह अपने पीछे 10-10 कवियों को लेकर घूमता है। वो अच्छा लिखें, न लिखें, बुरा लिखें, जो भी लिखें, वही उनको स्वीकार्य हैं। जो कहीं किसी खेमा में नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है, उसकी कोई नोटिस नहीं लेता है। तो और अब तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि गिरोहों का होना अच्छा है। एक गिरोहबाज ने कहा कि भाई, हमने कहा कि ये 4 कवि अच्छे हैं, पिछले 8-10 साल के भीतर ये 2-3 कवि अच्छे हैं, तो आप भी गिरोह खड़ा कीजिए, आप भी कहिए ये 2-3 कवि अच्छे हैं, और उनकी आप नोटिस लीजिए। तो ये कौन सी बात हुई भाई? तो हिंदी साहित्य बटा हुआ है। एक तो 1990 के बाद जो विमर्श चले, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, तो विमर्शों ने साहित्य को बांटा। अब उसमें भी जो मुख्य धारा का साहित्य है, उसमें कई कई गिरोहों में लोग बटे हुए हैं, मतलब पूरी तरह से खंड खंड
में आपको दिखेगा हिंदी समाज, पूरा हिंदी समाज का चेहरा एक साथ नहीं दिखेगा। और देखिए, विमर्शों को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, दलित विमर्श को मैं बुरा नहीं मानता, स्त्री विमर्श को बुरा नहीं मानता, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब विमर्शों में भी जो लोग आ रहे हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी के दलित लेखक हैं, कि उनको मुख्य धारा में व्यापक स्तर पर पहचान के लिए संघर्ष नहीं करना है। दलित कवियों का एक संकलन आ गया, कहीं पाठ्यक्रम में शामिल हो गया, कहीं विदेश चले गए, चीन चले गए, भूटान चले गए, अमेरिका चले गए, काठमांडू चले गए। तो जैसे नौकरियों में आरक्षण है, तो लोगों ने साहित्य में भी एक तरह से अपने लिए जगहों को आरक्षित किया। इसी तरह से स्त्रियों को विमर्श के नाम पर सुविधाएं मिल रही हैं, जो कुछ खराब लिखने वाली हैं उनको भी विमर्श के नाम पर शामिल कर दिया जाता है। अभी पिछले दिनों एक महिला लेखिका आई कथाक्रम में, तो उन्होंने कहा कि हमारी ये सहेलियां हैं, कहानियां लिखती हैं, और सहेलियों का नाम गिनाया उन्होंने। तो आजकल जो स्त्री विमर्श करने वाली महिला लेखिकाएं हैं, वे भी रेयर में एकादशी होंगी थोड़ा उदार, बाकी सब अपनी सहेलियों का नाम लेती हैं, सखियों का नाम लेती हैं। दलित लेखक जो हैं वो दलित लेखकों का नाम लेते हैं। मुख्य धारा में आप क्या अच्छा लिख रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी चर्चा नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कि भाई, आपका हिंदी साहित्य का जो समाज है वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? हम लोग तो ये पढ़ते थे ना कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है, मतलब कविता मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है, कविता मनुष्यता की पहचान करती है, कविता अंधेरे की शिनाख्त करती है, कविता को कहा गया है कि वो आत्मा को गढ़ने का काम करती है, शिल्पी है कवि। और मुक्तिबोध की कविताओं में जहाँ जहाँ भी आत्मा शब्द आया है, उसको मैं आध्यात्मिक अर्थ में नहीं लेता। आत्मा कहा है तो समझिए कि संवेदना, संवेदना के अर्थ में, कि कविता जो आपके मन की बुनावट है, जो आपकी संवेदना है, उसको बदलने का काम करती है, उसको एक सही और सुंदर दिशा देने का काम करती है। मतलब कविता का काम ही है सौंदर्य की स्थापना। वह प्रेम को बचाने की बात करती है, वह सुंदरता को बचाने की बात करती है। तो असल उद्देश्य तो ये होना चाहिए ना, आदमी पहले आदमी है, वो एक समाज में रहता है, तो पहले आप एक आदमी हैं तब ना। तो पहले यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं एक दलित हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पिछड़ी जात का हूँ, मैं सवर्ण समाज का हूँ। साहित्य का उद्देश्य बांटना नहीं है, साहित्य जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पूरा इरादा ही है लोगों का बांटने का। मेरी नज़र में ये साहित्य के सामने आज के दौर में कुछ गंभीर संकट की बातें हैं और चुनौतियां हैं। कहता है, सामने से मेरे में सरल होना कठिन, सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डॉन के आगे बिछ जाना नहीं, सरल होना किसी अपराधी, माफिया और डॉन के आगे बिछ जाना नहीं, सरल होना अपना आत्मसम्मान
गिरवी रख देना नहीं, सरल होना, गंदे नाले या गटर के पानी के साथ बहना नहीं, सरल होना अगर धूर्त होने की छूट नहीं देता तो बेवकूफ भी नहीं बनने देता, सरल होना मानवीय होना है कुछ ज्यादा, सरल होना मानवीय होना है कुछ ज्यादा, सरल होना उतना ही कठिन है जितना खींचना कोई सरल रेखा, सरलता सरलता ओढ़ी नहीं जाती जैसे महानता, जैसे महानता। ऐसे ही एक छोटी सी कविता है, देखा है, देखा है मकतूल बनते कातिल को, देखा है मकतूल बनते कातिल को, रंक बनते राजा को, माटी में मिलते महल को, लुट जाते लुटेरे को, रोते चीखते अत्याचारी को, हाथ पसारे दाता को, चिथड़े चिथड़े होते हिटलर को, शासन की बंदूक को भी होता है, शासन की बंदूक को भी देखा है टूटते होते जख्मी, रात को देखा है सहसा बदलते सुबह में। एक कविता है, लुढ़कना और उठना। देश का रुपया लुढ़कता जा रहा, देश का रुपया लुढ़कता जा रहा, लुढ़क रहा शेयर बाजार का सूचकांक, लुढ़कते जा रहे नेता संत लुढ़क रहे, लुढ़कते जा रहे जीवन के नैतिक मान मूल्य, लुढ़कते जा रहे हमारी भाषाओं के ज्यादातर कवि और शायर, लुढ़कते जा रहे ज्यादातर पत्रकार। ऊपर उठ रहा डॉलर, ऊपर उठ रहा डॉलर, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही महंगाई, सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रहा भ्रष्टाचार, बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रहे आंकड़े आत्महत्या कर रहे किसानों के, बढ़ रही संख्या बलात्कारियों की, लालच और लिप्साएं छू रही शिखर, लालच और लिप्साएं छू रही शिखर, लुढ़कने और उठने की इन खबरों के बीच पिस रहा आम आदमी, लुढ़कने और उठने की इन खबरों के बीच पिस रहा आम आदमी, हिल रही बुनियाद हमारे लोकतंत्र की। ये हमारा जो दूसरा संग्रह था सामने से मेरे, उससे मैं आपको छोटी छोटी कविताएं सुना रहा था। जैसे एक बहुत छोटी सी कविता है, न हो सामना घटाओ से, मैंने प्यार किया है तो घृणा कौन झेलेगा, मैंने प्यार किया है तो घृणा कौन झेलेगा, चुने खूबसूरत फूल मैंने तो उलझेगा गमछा किसका कांटों से, बनाए अगर मित्र मैंने तो शत्रु कहाँ जाएंगे, बनाए अगर मित्र मैंने तो शत्रु कहाँ जाएंगे, सुख ने सींचा है मुझे तो तोड़ा है बार बार दुख ने, मेरे जीवन में शामिल है सोहर तो मरसिया भी, ऐसे कैसे होगा तो जोड़ता चला जाऊं, न हो सामना घटाओ से, ऐसे कैसे होगा कि जोड़ता चला जाऊं, न हो सामना घटाओ से, लिया है जन्म तो कैसा डर मृत्यु से, लिया है जन्म तो कैसा डर मृत्यु से। बाकी दिल्ली क्या कम गंधाती है सर जी, ये कविता आखिरी कविता है। इस सुपरफास्ट ट्रेन की दूसरी श्रेणी के स्लीपर कोच नंबर 10 की 28 नंबर बर्थ पर जो लोअर है और आपको सीनियर सिटीजन के नाते मिल गई है, इसमें इतराने जैसा नहीं है कुछ भी सर जी। इस सुपरफास्ट ट्रेन की दूसरी श्रेणी के स्लीपर कोच नंबर 10 की 28 नंबर बर्थ पर जो लोअर है और आपको सीनियर सिटीजन के नाते मिल गई है, उसमें इतराने जैसा कुछ भी नहीं है सर जी। दिन का मामला है, ऊपर से गर्मी का दिन है, उमस है, भीड़ है, दिल्ली जाना है मुझे भी, दिल्ली जाना है मुझे भी, कल टेस्ट है मेरा सर जी,
रिजर्वेशन नहीं करा पाया। अचानक पता चला, किनारे बैठ लेने दीजिए, रात में लखनऊ के बाद नीचे बिछा लूंगा चादर सर जी। बुरा मत मानिए, मेरा यकीन मानिए, बुरा मत मानिए, मेरा यकीन मानिए, मजबूरी है, बिहार से हूँ सर जी, बिहटा से, बिहार से हूँ सर जी, बिहटा से। बिहारी इतने बुरे भी नहीं होते। और ये ट्रेन तो राजगीर से ही भरी आ रही है सर जी, अब क्या कीजिएगा सर जी, बिहार तो इसी देश के नक्शे में शामिल है सर जी, बिहार तो देश के इसी नक्शे में शामिल है सर जी, ट्रेन के गंधाने का कोई रिश्ता खाली बिहार से कैसे हो सकता है सर जी, ट्रेन के गंधाने का रिश्ता खाली बिहार से कैसे हो सकता है सर जी, बाकी दिल्ली क्या कम गंधाती है सर जी, बाकी दिल्ली क्या कम गंधाती है सर जी। वे अलग अलग, ये अलग अलग नज़रिए की बात है सर जी, और ऐसे भी आपकी लोअर बर्थ से फर्श की दूरी बमुश्किल दो बीता ही तो है सर जी। जो समसामयिक विषय है इन पर निरंतर बात करने की आवश्यकता है सर, है ना, कि वो प्रगतिवाद हो, जनवाद, प्रगतिवाद हो, जनवाद हो, राष्ट्रवाद हो, और जो हम ये कहते हैं कि लोगों की धाराएं बदल रही हैं, पहले किसी और धारा में थे, अब किसी और दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिस पर बराबर विमर्श की जरूरत है, और पूरे उसमें जो बाजारवाद की जो हम बात करते हैं तो बाजारवाद को लेके भी बात करने की जरूरत है। नहीं, अभी तो जिस जनवाद शब्द को परिभाषा में बांधा गया 1982 में जनवादी लेखक संघ बना था, 13 14 15 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें हम लोग गए हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि अब जो नई पीढ़ी आ रही है जनवादी लेखक संघ में सदस्य के रूप में, वो भी जनवाद को नहीं जान पाती है कि जनवाद क्या है, जनवाद किसे कहेंगे, प्रगतिवाद क्या है, जन संस्कृति क्या है। तो वो मैंने कहा ना आपसे कि साहित्य संस्कृति के इलाके में भी वैचारिक स्तर पर एक पतन का दौर है, और सब लोग पद पुरस्कार के पीछे भाग रहे हैं, सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, और सत्ता की जो दमन की नीति है, अब एक तरह से उदारता का मुखौटा लेके सामने आ रही है कि लो ये लिट फेस्ट करा रहा हूँ, इसमें मैं खर्चा कर रहा हूँ, सरकारी धन दे रहा हूँ, जितने उनके चैनल्स में बिके हुए सब लिट फेस्ट कराने में लगे हुए हैं, और उनका कहना है कि कहाँ है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा, हम तो तुमको मंच दे रहे हैं, आओ बोलो, क्रांति कर लो आके। तो एक बड़ा विचित्र विडम्बना से भरा हुआ दौर है हम लोगों का, जहाँ अच्छे और बुरे की पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। तो सत्ता की अंदर से जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, वो है कि लेखकों के भीतर प्रतिरोध का जो स्तर है वो गिरे, वो उस तरह से न लिखें विरोध में, जैसे धूमिल ने कहा कि कविता विपक्ष में होती है, तो कवियों को जो एक भ्रम था कि मैं विपक्ष में हूँ, मैं कमजोर की आवाज हूँ, तो सत्ता उसमें घालमेल पैदा कर रही है, वो कह रही है ना कि कहाँ, कहो जितना कहना है कहो, हम तुम्हारी बात को सुनेंगे, हम भी तो गरीबों के आदमी हैं, हम भी तो गरीब के घर से आए हैं, शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं, मतलब हम भी छोटे लोग हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, तुम भी पीएम बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो। तो ये एक माया जाल है कॉरपोरेट वर्ल्ड का, और सत्ता उनसे मिल करके काम कर रही है, और वास्तव में वो कमज़ोरों की, गरीबों की, दबे कुचले लोगों की, पिछड़ों की सत्ता नहीं है, उनको भ्रम है कि हमारी सत्ता है, और चीज़ें पीछे की ओर जा रही हैं। कहाँ तो हमने स्वप्न देखा था जब देश आज़ाद हुआ, हम एक आधुनिक भारत बनाएंगे, और कहाँ तो विश्वगुरु बनने के चक्कर में
आधुनिकता से हम दूर जा रहे हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें वापस लौट रही हैं, और एक अजीब घालमेल का दौर है, एक अजीब कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ दौर है, और हम सब उसके साक्षी हैं, देख रहे हैं। और इसमें बहुत कम लोग हैं जो अपने भीतर वैचारिक ताप को बचाए हुए हैं। उसको बचा पाना दिन ब दिन बहुत कठिन और मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारे लोग जो आपको मिलेंगे कहेंगे कि मैं तो प्रगतिशील लेखक संघ में हूँ, मैं जनवादी लेखक संघ में हूँ। लेकिन आपको पता चलेगा कि जनवादी लेखक संघ और ऐसे लेखक संगठनों का जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं खुद ही बिका हुआ है, खुद ही सत्ता की दलाली में लगा हुआ है। तमाम आपने देखा होगा इफको पुरस्कार को लेकर के पिछले दिनों क्या विवाद चला है। उसके स्वामी हैं जो किस तरह से ईडी का छापा पड़ा, तो और पुरस्कारों के देखिए आजकल जितने पुरस्कार हैं, अगर मैं कहूं कि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है तो लोग हम पर आरोप लगाएंगे कि आपको नहीं मिला तो आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों को हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण का पुरस्कार मिला जिनको मैं लेखक ही नहीं मानता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो पिछले दिनों हमारे संपर्क में थे, मिलते थे, जिनको लेखक मानने में मुझे कठिनाई होती थी एक आलोचक के तौर पर, हमारी कसौटी में कहीं से वो लेखक नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि वो जोड़ तोड़ में आगे हैं, उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपया के। और अभी इन संस्थानों के पुरस्कार देने वाले जो अधिकारी हैं वो भी विवादों में हैं। पता चल रहा है कि जिनको पुरस्कार दिया उनसे मिले हुए थे, आधा हमको दे दो राशि, आधा रख लो, हम तुमको दे देंगे। किसी गुमनाम आदमी को पुरस्कार दे दिया। तो ऐसे अभी पिछले दिनों हटाए भी गए हैं अधिकारी। तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि तो सरकारी संस्थानों में भी जो पुरस्कार का पैसा है वो जनता का पैसा होता है, वो किसी कारपोरेट का पैसा नहीं होता है। और जनता का पैसा सही जगह नहीं जा रहा है, उसके पास नहीं जा रहा है जो जनता का लेखक है, जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, जन मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जो जन की आवाज बना हुआ है। अब आप देखिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों के डिटेल्स में जाइएगा तो आप पाइएगा कि वो पुरस्कार पहला हिंदी में कविता में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, वो निराला को नहीं मिला, मुक्तिबोध को नहीं मिला, फणीश्वरनाथ रेणु को नहीं मिला। तो इसकी कोई राजनीति होगी, पुरस्कार कैसे लोगों को मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? पुरस्कार उच्च कोटि के लेखन की गारंटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया गया है जिनके लेखन में कोई गुणवत्ता नहीं थी, लेकिन उनको मिला पुरस्कार, तो इसकी आलोचना होनी चाहिए। तो आज उस तरह से आलोचना भी नहीं हो रही है। लोग सोचते हैं कि हम क्यों आलोचना करें, क्या पता हमको भी उस दौड़ में शामिल होना हो। तो देखिए देवेन जी, एक पतन का दौर है, सांस्कृतिक साहित्यिक क्षरण का दौर है, और इसमें हमको जो कुछ बचे हुए लोग हैं उनको उनसे उम्मीद है, और वो अंधेरे की पहचान करेंगे और रोशनी पैदा करेंगे अपनी कविताओं से। ये उम्मीद तो बरकरार रहती है ना, उम्मीद तो आदमी नहीं छोड़ता है। तो मैं बहुत से लोग मिल जाएंगे हिंदी में, अन्य भारतीय भाषाओं में, भोजपुरी में, मैथिली में, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान की जानी चाहिए, वो भी काम नहीं हो रहा है। और अभी तो एक जैसे ऐसी पोजीशन है जैसे भेड़ें लगातार जैसे एक दिशा में भागती हैं और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगती हैं, उसी तरह से लेखकों का हाल है। लगभग अधिकांश लेखक पद और पुरस्कार के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ तोड़ में लगे हुए हैं।
पता चला जनवादी लेखक हैं लेकिन उनकी नकेल किसी कलाबादी के हाथ में है। तो बहुत सारे फाउंडेशन एकेडमीज जो हैं वो इसी तरह का काम कर रहे हैं। हम जब यही आने वाले दिनों में यही स्थिति रही तो प्रतिरोध का साहित्य बचेगा ही नहीं। कभी कभी तो बड़ी हताशा होती है, कैसे हम बचा पाएंगे। कविता और साहित्य का इलाका ऐसा है जिसमें कुछ लोग निकल आते हैं हर बार, कभी कोई धूमिल, कभी कोई मुक्तिबोध पैदा हो ही जाता है, कभी कोई निराला पैदा हो जाता है। तो उम्मीद बरकरार है कि आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह से बेहतर माहौल बनेगा, लेकिन अभी तो हम लोग संकट के दौर में हैं और वो संकट सत्ता की ओर से भी है, पैदा किया जा रहा है, घालमेल पैदा किया जा रहा है, जहाँ लोगों की अपनी कलम अपनी नहीं रह गई है। गोपाल सिंह नेपाली ने कभी लिखा था कि मेरा धन स्वाधीन कलम, और बहुत कम लोग बचे हैं जो कह सकते हैं कि ये मेरी कलम है और जो मैं चाहता हूँ वही लिखता हूँ। अभी जिनको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, उनकी कविता बहुत चर्चित हुई है जिसमें वो कहते हैं कि शब्दों से बहुत गलत काम भी होता है। आदमी हिटलर की जीवनी लिख देता है, मतलब आपको ये एहसास है कि मैं हिटलर की जीवनी लिखने में लगा हुआ हूँ, सत्ता के प्रोपेगेंडा में लगा हुआ हूँ, उनके विचारों को फैलाने में लगा हुआ हूँ। तो और बड़ी दिलचस्प बात है ना कि जो बड़े बड़े शीर्षस्थ जनवादी कवि हैं वो तो उन्हीं के पैरोकार बन जाते हैं। वो कहते हैं कि इस कवि की कविताएं तो अच्छी हैं, सामाजिक लेख उसके अच्छे नहीं हैं, अखबारी लेख उसके अच्छे नहीं हैं। मतलब एक आदमी अखबारों में छपता है तो दक्षिणपंथी हो जाता है, सत्ता का आदमी हो जाता है, और जब कविता लिखता है तो जनवादी हो जाता है। आप बताइए, क्या ये हाँक संभव है? मतलब आप कविता लिखें तो जनवादी लिखें, प्रतिरोध की कविता लिखें, और जब अखबार में लेख लिखें तो आप सत्ता के पक्ष में हो जाएं, फांसी बात की पैरोकारी करें, फांसी जम की। तो दोनों बातें एक साथ संभव हैं? लेख में आप कुछ हो जाएंगे, कविता में कुछ हो जाएंगे। तो एक बड़े कवि से पिछले दिनों हमारी बहस हुई, भोपाल में है, सोशल मीडिया पर भी मिले भी थे, आए थे लखनऊ। तो हमारा क्या है भाई देवेंद्र जी, मैं कविताएं लिखता हूँ, आलोचना भी लिखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो सच है उसको कहने की, उसको सामने लाया जाए। और हमको कोई मुगालता नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, और किसी लोभ लालच में मैं नहीं हूँ, क्योंकि आदमी जब सुविधा चाहता है तो दुविधा में पड़ता है, सत्य कहने से बचने लगता है। तो कविता बची रहेगी जब हम लोग सत्य के साथ खड़े रहेंगे, सौंदर्य के पक्ष में खड़े रहेंगे, तो कविता बची रहेगी। इसको बचाने की हर हाल में कोशिश की जानी चाहिए, ये मेरा कहना है। आक्रोश पैदा होता है मन में, बहुत सारी बातें आती हैं, और इन दिनों बहुत कम मंच ऐसे बचे हुए हैं जहां आप फटकार करके अपनी बातें कह सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपने मंच के माध्यम से ऐसी बातों को कहने का मौका दिया। जी दिनेश जी, कुछ और हो तो आगामी कुछ दिनों में इन्हीं मुद्दों पर जो बात हम कर रहे थे कि प्रतिरोध का साहित्य क्या होता है, कलावादी साहित्य क्या होता है ना, जनवादी साहित्य क्या है, प्रगतिशील साहित्य क्या है, ये जो इन सभी मुद्दों पर धीरे धीरे बातचीत, कुछ कुछ एपिसोड्स में बातचीत करेंगे सर, तो ये बहुत अच्छा लगा। प्रतिरोध की बातें कर रहे हैं ना कविता में, उनमें भी एक तरह का मुखौटा है, छद्म है, मतलब शूडो साहित्य लिखा जा रहा है, वो भी मिथ्या है, एक तरह का भ्रम है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ बहुत करीब से जो
कविता में क्रांति करते हैं और जीवन में तमाम समझौते करते हैं और पुरस्कारों के पीछे भागते हैं, पद के पीछे भागते हैं। तो इस सच्चाई को सामने लाना चाहिए, ये जो हकीकत है आज की। जी ठीक है देवेंद्र जी।